तो फिलहाल हम लोग हैं देवप्रयाग व्यू पॉइंट में। आप देख सकते हो कि मैं जिस नजारे पे खड़ा हूँ ना, जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, वहां से आपको जो नजारा दिख रहा है यही है देवप्रयाग, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो रहा है और माँ गंगे के सफर की शुरुआत हो रही है। आप जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो वो भागीरथी है और राइट हैंड साइड में जो है अलकनंदा है। भागीरथी सीधा गौमुख मतलब गंगोत्री से आती है, ठीक है, और अलकनंदा जो है वो वैली ऑफ बद्रीनाथ से आती है। तो हम लोग आगे चलते हैं, गाड़ी को पार्क करते हैं और जगह ढूंढते हैं कि कहाँ को गाड़ी को पार्क करना है। उसके बाद फिर मैं आपको नीचे लेके चलूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि नीचे से किस तरीके का नजारा है और कैसे आप जाके नीचे गंगा स्नान कर सकते हो, मतलब संगम में जाके स्नान कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि इस जगह पे कोई पर्टिकुलर पार्किंग एरिया नहीं बना हुआ है, तो आपको सही से अच्छा ठिकाना देख के ही गाड़ी को पार्क करना होता है ताकि रोड पे न रहो, क्योंकि आप देख सकते हो कि रोड छोटी है, टू लेन है, मतलब एक साइड से आ सकती है एक साइड से जा सकती है। तो सही जगह देख के गाड़ी को पार्क करिए ताकि रास्ता जाम ना हो, ठीक है। अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी देवप्रयाग जाने का मौका मिलता है या फिर केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हो ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस जगह पे बिल्कुल रुकिए और जाके संगम में स्नान करिए, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे श्री राम भगवान ने भी तपस्या कर रखी है, आज भी आप जाके उनका पैरों के निशान देख सकते हो यहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये अभी भागीरथी की खूबसूरती देख सकते हो, कितना प्यारा पानी लग रहा है, इतना साफ है, और साफ होने का बहुत अच्छा रीजन है क्योंकि ये गौमुख से आ रही है, गौमुख मतलब गंगोत्री से, ठीक है। तो इनका किसी भी मेजर नदियों के साथ संगम नहीं होता, और अगर आप यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे ना, अलकनंदा का काफी नदियों के साथ संगम हो रहा है, जिस वजह से वो थोड़ी सी मैली टाइप का है। और एक कहावत है यहाँ पे कि काले और गोरे का जो हम लोग फर्क करते हैं ना, तो काले और गोरे को मिला के ही माँ गंगा बनती है, ठीक है। तो एक कहावत है, मिलन हो तो भागीरथी और अलकनंदा जैसी, कि मिलते ही वो माँ कहलाए, माँ गंगा, ठीक है। तो जो लोग भी काले और गोरे का फर्क करते हैं ना, मैं उनको बोलूंगा कि थोड़ी सी समझदारी दिखाओ, ये सब चीजें छोड़ दो, ठीक है। ये सब चीजें अच्छी चीज नहीं है कि आप काले और गोरे का फर्क करो, और क्योंकि कुदरत ने भी नहीं करा तो हम कौन होते करने वाले, है ना। तो चलो आगे चलते, मैं आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा ये नजारा है। आपको ये ब्रिज क्रॉस करके जाना होता है, अगर आप उस साइड से भी आ सकते हो वैसे तो, लेकिन मैं इस साइड से आ रहा हूँ, तो मैं आपको दिखा दूँ कि एक ब्रिज क्रॉस करेंगे, मतलब भागीरथी को क्रॉस करना होगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे। बाकी पानी देख सकते हो कितना साफ आ रहा है, बहुत प्यारा नजारा यार फील हो रहा है। तो ये मार्केट एरिया है जहां से आप क्रॉस करते हो गुजरते हो। आप, मैं आपको बता दूं कि मार्केट में यहाँ पे खाली बोतल भी मिलता है, जिससे आप यहाँ पे पानी भर के भी घर पे लेके जा सकते हो, और कुछ पूजा की सामग्री, तौलिया, गमछा, जो भी अगर आप भूल गए हो तो वो, अगर वो भी कुछ परचेस करना है, या फिर कुछ बैग, किसी का बैग फट गया है तो बैग भी परचेस कर सकते हो, और या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपको याद दिलाए कि आप देवप्रयाग गए हो, है ना, तो कुछ भी बाय कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर बोर्डिंग लगी हुई है, संगम घाट देवप्रयाग। उसके बाद अभी हम लोग नीचे चलते हैं, बहुत प्यारा है भाई, मतलब ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आते हो ना आप, तो आपको बहुत ज्यादा पवित्र सा फील आता है कि मैं एक अलग सी दुनिया में आया हूँ। सच कहा गया है क्या, उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है, एक ऐसे स्टेशन है, ऐसे मैं कह सकता हूँ, जहाँ पे आते हो तो आपको फील होता है कि आप सच में देवता के घर आए हो, है ना। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप जा रहे हो ना, तो वहां पे गंदगी ना फैलाए, अगर आप कुछ भी खाते हो तो उसे बस के बाहर या फिर गाड़ियों के बाहर मत फेंके, क्योंकि आपको पता है कि प्लास्टिक नहीं सड़ते, है ना। तो जो भी चीज ऐसे लेके जाते हो तो उसको खाने के बाद उसको अपने कचरा को अपने बैग में रखिए, और ऐसे जगह को गंदा ना करिए, क्योंकि अगर कोई भी जाएगा तो उसे गंदगी दिखेगी, फिर कुदरत की खूबसूरती नहीं दिखेगी। अगर आप चाहते हो कि कोई भी इसे स्वर्ग समझे, क्योंकि हर कोई स्वर्ग मानता है ना देवभूमि को, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ये स्वर्ग है तो उसको हम स्वर्ग की तरह ही रखें, उसी तरीके से हमें ट्रीट करें, है ना। तो ये कुछ खूबसूरत पॉइंट है, आप देख सकते हो कि मेरे सामने कैसा नजारा है खास।